काम तो हम नहीं करते मजदूर आदमी काम तो हम भी करते हैं, हैं। लालू सनन नेता तो आप तो हाई है और जिसके पूरा गांव के लोग देता है उसी को मैं भी देती हूँ तो मजदूरी करते हैं जी मजदूरी करके अपना गुजारा करता हूँ कांग्रेस के कहीं पे कुछ दिख रहा है नहीं मुझे कहीं नहीं कांग्रेस नहीं दिख रहा अच्छा अखबार में क्या पढ़े आप अखबार में यही देख रहा था देख रहा देखा कुछ नहीं देख रहा बाकी मैं टीवी में न्यूज वैसे देखता हूँ अखबार में क्या देखो चाय पीने अखबार देख लिया चाय की टपरियों पे बैठते हैं तो बातचीत तो होती होगी राजनीति के बारे में अभी तक कोई भी नहीं राजनीति करने वाला खाली एक अला में बैठा अभी तो बैठे होंगे आज कल मैं परसों चुनावी माहौल चल रहा है काम करने नहीं मैं काम करने का बैठा भी चाय पीना था वैसे हमारी कोई मीटिंग नहीं होती काम तो हम भी कर मजदूर आदमी काम तो हम भी करते हैं सुबह से शाम तक काम भी करते हैं महंगाई कोई महंगाई तो है ही दिखाई दे रही है महंगाई तो है बीजेपी तो कहती थी कि हम आएंगे तो महंगाई खत्म करेंगे दस साल हो गए महंगाई में कुछ अभी तो कोई कमी आई नहीं इतनी महंगाई उतनी महंगाई है ही तो उम्मीद कर रही है कि अगर हम जीत के आए तो महंगाई कम करेंगे बहुत सारे वादे किए कर रहे हैं कांग्रेस को है। अभी और माहौल बनने अभी पच्चीस तारीख दूर है एक चाय की टपरी पे हम लोग मौजूद हैं काका अखबार पढ़ रहे थे तो उनसे बातचीत करना हमने वो समझा वैसे यहाँ पे बात कर लेते चाचा क्या क्या बना लेते हो तो मैं चाय बनाता हूँ जी अब ब्रेड पकोड़ा बनाता हूँ क्या बात है मोदी जी ने बोला है पकोड़े बेचिए तो पकोड़े बेच रहे हैं। मतलब <laughs> तो मोदी ने बोला है इसलिए बेच रहे हैं हैं? या पहले से बेचते जी वो तो सरकार तो है तो उनकी कहने पर तो चल नहीं है पड़ेगा जी हाँ। तो मजदूरी करते हैं जी और मजदूरी करके अपना गुजारा करता हूँ हाँ। क्या लग रहा है पकौड़े बेच के कमाई हो रही है नहीं हो रही है काम तो अभी बहुत ढीला है जी काम तो अभी चल नहीं रहा है नहीं नहीं चल रहा नहीं, काम तो अभी चल नहीं रहा है तो क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए सरकार तो मोदी भी सही है क्योंकि हम सब बिहार के रहने वाले है हाँ, हाँ। देखिये बिहार के मगर बिहार में भी उनको भी बहुत चला चलती है मोदी के लॉकडाउन में भी बहुत पैसा दिया था उन्होंने हर आदमी के खाता पर दिए थे लालुआ को लेके क्या कहेंगे लालू का बेटा भी तो मैदान में है लालू सनंद नेता तो अब तो है ही नहीं है बेटा तो है लालू जो कर गया है गरीब के लिए गरीब के जो बोलने के जो भाषा दे दिया है आ, जो आजकल कोई भी नेता नहीं देगा अब उसने बोलने के मौका दे दिया है कि भाई कोई भी गरीब नहीं है सब एक जैसा है क्या बात है लालू कहते थे ऐसे बोलते थे हाँ जी क्या मतलब क्या लग रहा है कि लालू की सरकार आनी चाहिए वहाँ पे मतलब आर आनी चाहिए अब तो बिहार के बात है तो बिहार में अब तो जो होगा सो होगा जी तो बिहार के हैं तो उम्मीद क्या लगा रहे हैं कि लालू के बेटे जो हैं पुत्र तेजस्वी यादव काम करेंगे मेरे मन में क्या है जो लालू कर गया है सो उसको लड़का नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।, नहीं कर पाएगा। तो लालू ने तो चारा घोटाला भी किया जेल भी वो तो बहुत बेर किया है जेल बहुत बेर चला घोटाला किया मोर वो गरीब के बहुत किया है उसने उसी के लालुओ के वोट देते थे हम भी वोट किसको डालती है जाके यहाँ तो नहीं कभी डाली हूँ बिहार में किसको डालती हूँ बिहार में वो जिसका कहता है गांव के लोग इसको देना वोट तो इसी के देती हूँ गांव के लोग कहेंगे तो वोट देंगी जैसे जैसे बंद ठड़ा होता है और जिसके पूरा गांव के लोग देता है उसी को मैं भी देती हूँ वोट तो देखिए काकी ने भी कह दिया कि जिसको जो समाज देता है गाँव वाले कहते हैं उसी को वोट देते हैं लेकिन हम तो ये कहेंगे की भैया जो आपकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की बात करें अपना वोट उसी को दें क्योंकि वोट बहुत कीमती है और एक बार कुर्सी पे जो बैठ गया वो पांच साल तक तो हिलने वाला नहीं है लेकिन उन पाँच साल में आपका काम होगा कि नहीं होगा ये आपका वोट तय करेगा बने रहिए आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की